गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम डॉक्टर किरण। आज मैं स्तन कैंसर के बारे में बात करूंगी। स्तन कैंसर महिलाओं में मोस्ट कॉमन कैंसर है। ये जनरली मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज में पाया जाता है, बट 9% ऑफ द पेशेंट्स दे बिलोंग टू लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं फॉर स्तन कैंसर, जैसे कि अगर आपकी फैमिली में किसी को स्तन कैंसर हुआ है, या फिर आपकी लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज में कोई रेडिएशन मिली है टू द चेस्ट, या फिर जेनेटिक म्यूटेशन हुई है जिसको हम BRCA1 या BRCA2 जीन म्यूटेशन कहते हैं, या फिर देर आर फ्यू रिस्क फैक्टर्स जो कि मॉडिफाइबल होते हैं, जिसको आप इसको प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ओबीज हैं, या आपकी एज की अगर हाई हो रही है, या फिर अगर आपने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लिया है इन द पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप, देन यू बिकम ए हाई रिस्क फॉर CA ब्रेस्ट। देर आर फ्यू कंडीशंस जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी कैन बी प्रिवेंटेड। आप फिजिकली एक्टिव रहें, ईट हेल्दी, ईट सिंपल, और डिलीवरी के बाद बच्चे को स्तनपान कराएं। तो ये सब से हम कैंसर ब्रेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। देर इज़ अगर आपको कभी नोटिस हुआ कि कोई ब्रेस्ट में आपको कोई साइज में डिफरेंस लग रहा है, या फिर कोई रेडनेस लग रही है, या फिर देर इज़ ए पेनफुल लंप विद और विदाउट पेन अगर आपको फील हुआ है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। जनरली हम लोग सेल्फ एग्जामिनेशन के ऊपर प्रमोट करते हैं, जैसे कि अगर आपकी एज मोर देन 20 ईयर्स है, देन यू शुड डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वंस ए मंथ। अगर आपकी एज 40 से अबव है, देन यू शुड एवरी ईयर विजिट डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ स्क्रीन्ड फॉर कैंसर ब्रेस्ट। सेल्फ एग्जामिनेशन का मेथड होता है जैसे कि आपने यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर विद योर बोथ हैंड्स ओवर योर वेस्ट, सो दैट आपकी चेस्ट मसल थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाएं, एंड यू हैव टू एग्जामिन बोथ द ब्रेस्ट साइमल्टेनियसली। दोनों ब्रेस्ट की साइज, कॉन्टूर एंड शेप इक्वल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कुछ साइज में अंतर है, या फिर कॉन्टूर या फिर शेप में कोई प्रॉब्लम है, या फिर वहाँ पे आपको स्किन में कोई डिम्पलिंग या फिर कोई निशान सा लगता है, या फिर आपको वहाँ पे रेडनेस या कोई स्केलिंग सी लगती है, देन दीज आर नॉट ए गुड साइन। उसके बाद आपने 3 फिंगर्स से अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना होता है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 क्वाड्रेंट एंड मूव सर्कुलर मोशन में पूरा आपने एग्जामिन करना होता है स्लोली। एग्जामिनेशन पे आपने नोटिस करना है कि कहीं कोई पेन तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, स्वेलिंग इन द सेंस कोई लंप हार्ड सा कुछ फील तो नहीं हो रहा आपको, या फिर कोई निप्पल से डिस्चार्ज तो नहीं है। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम लगते हैं, देन आप अपने डॉक्टर से मिलिए एंड गेट योरसेल्फ स्क्रीन्ड एंड टेस्टेड फॉर CA ब्रेस्ट। थैंक यू।